सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड वेलकम टू अनअकेडमी। सभी को बता दूं मैं, आईएससी ने गेट 2024 का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया था, इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने रिलीज कर दी है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट जैसे ही आप विजिट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट 2024 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है गेट 2024 विल बी कंडक्टेड फॉर 30 टेस्ट पेपर्स। और इन टेस्ट पेपर में आपके पास न्यू जो है इस बार डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अभी सीएस में अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी धूम है, तो यहां पर आपके पास दिख रहा है ये न्यू है, बाकी सब जो हमारे पास है। अभी अगर सिलेबस की अपन बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले गेट अकेडमी के चैनल पर देख रहे हैं, तो अभी मैं अगर क्लिक करता हूं यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, तो यहां पर स्टार्ट हो जाता है गेट 2024 का आपके पास पीडीएफ ओपन होगा। इस डिजिटल बोर्ड पर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, बट आपको दिखेगा गेट 2024 का यहां पर पीडीएफ ओपन होता हुआ, इसी लिखा हुआ है। पहला जो मेरे पास है वो है लीनियर एलजेब्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। बाकी आप जाकर के फटाक से सिलेबस डाउनलोड कर लो, टिक करो फास्ट फास्ट फास्ट, कि तुम्हारे पास क्या नया है क्या पुराना। मैं मैथ्स की बात करके जाता हूं, सुन के जाना। तो लीनियर एलजेब्रा हमारे पास है यहां पर, सॉल्यूशन मैट्रिक्स एलजेब्रा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, कैलकुलस में आपके पास दिख रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम्स आपके पास है, इंटीग्रल है, उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल में पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट डाला, मैक्सिमम मिनिमा किया, मल्टीपल इंटीग्रल किया, लाइन सरफेस सब कुछ किया, वॉल्यूम इंटीग्रल किया, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा मेंशन स्पेशली, देखिए आज मैंने पढ़ाया है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और पहले नंबर पर रखा गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों मैंने आज पढ़ाया है, जाकर वीडियो देख लेना, लाइव पढ़ाया था यहां पर। उसके बाद फिर कॉची यूलर हमारे पास एनालिसिस, वो हम करते ही करते हैं, मेथड ऑफ यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस एग्जैक्ट सेम, ये मैं नोटिफिकेशन देने के लिए आता कि आप जाके नोट कर ले, फटाफट डाउनलोड कर ले। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करते हैं, वेक्टर एनालिसिस करते हैं, कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा करेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी एग्जैक्टली सेम आपके पास है प्रोबेबिलिटी, और स्टेटिस्टिक्स में आपके पास एंड से स्टार्टिंग तक एग्जैक्टली सेम। इस बार भी न्यूमेरिकल मेथड्स को नहीं डाला गया पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल मेथड्स को इस बार भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। अब बात अगर मैं कर लूं यहां पर, तो जैसे कि इस चैनल पर मैं अगर हूं तो ऑब्वियसली मुझे बात करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो देखो ध्यान से यहां पर भी अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स के जस्ट नीचे इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, इसमें ओपन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अपने मोबाइल में ओपन कर दूं। इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस बार भी न्यूमेरिकल मेथड्स को नहीं रखा गया, लीनियर अलजेब्रा एग्जैक्ट सेम, कैलकुलस वाला पार्ट सेम है, कैलकुलस के अंदर ही इलेक्ट्रिकल में कैलकुलस के अंदर ही वेक्टर को रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वेक्टर को एक अलग से पार्ट दिया गया, बट कैलकुलस में इलेक्ट्रिकल के केस में वेक्टर को उसके अंदर डाला गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स यस, कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं किया गया, तो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक अगर हम पढ़े, लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी में हमको स्टैटिस्टिक्स भी डाला गया, और इलेक्ट्रिकल में कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस को भी रखा गया है दोस्तों, बट न्यूमेरिकल मेथड को अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं रखा गया है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हमारे सिलेबस का अगेन आपके पास पार्ट नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों ध्यान समझिएगा। अब अगर अपन बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर की, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो यस, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के अंदर सिविल में कुछ बच्चे बोलते हैं सर दो चीजें बताइएगा सर, क्या कॉम्प्लेक्स आ गया है वापस? नहीं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग गेट 2024 में कॉम्प्लेक्स वापस नहीं आया, लीनियर अलजेब्रा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, कैलकुलस में स्टार्ट वहीं से किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसा ही सेम किया, ऑर्डिनरी और पार्शियल को दो अलग अलग कैटेगरीज में डाला है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में यस, लाइन रिग्रेशन एनालिसिस डाला है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, एक एक टॉपिक को सिविल में बहुत अच्छा रखा, न्यूमेरिकल मेथड को भी रखा है वहां पर सिविल ब्रांच में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैंने बताया नहीं था, सिविल ब्रांच में एग्जैक्टली आपके पास न्यूमेरिकल मेथड दिखता है। पर मैं ये देखना चाहता हूं खास कि क्या आईएन में, क्या आईएन ब्रांच के अंदर
हमको ये देखने को मिलेगा, क्या चीज सर, क्या आईएन ब्रांच के अंदर मुझे ये देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल मेथड? तो मेरे दोस्तों एग्जैक्टली गेट 2024 आईएन में जैसा मैं देख पा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में तो न्यूमेरिकल मेथड का नामो निशान नहीं मैथमेटिक्स में, बट आईएन के अंदर इसका नामो निशान रखा गया, तो आईएन के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं। कैलकुलस में वही मिक्स किया गया, कैलकुलस के साथ में वेक्टर को, डिफरेंशियल इक्वेशन रखा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी रखा, बट न्यूमेरिकल मेथड भी रखा आईएन के अंदर। मैकेनिकल की बात करते हैं फास्ट वे में, तो मैकेनिकल में क्या स्टेटस है एक बार देख के आते हैं। सर मैकेनिकल सामने खुल जा, सिम सिम खुल गया। तो मैकेनिकल में सबसे पहला टास्क हमारे पास आ जाता है कि क्या सर हमारे अंदर यहां पर हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह होता है क्या? तो नहीं दोस्तों, यहां पर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स है, सिविल में कॉम्प्लेक्स नहीं था। एक बार फिर से चेक करेंगे, सिविल में कॉम्प्लेक्स नहीं था, यहां पर कॉम्प्लेक्स रहता है। मैकेनिकल वालों को लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, कैलकुलस के अंदर वेक्टर भी डाला, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से नहीं, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अलग से कुछ पार्शियल को अलग से डिफाइन नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही रखा मैकेनिकल ब्रांच में। यहां पर न्यूमेरिकल मेथड है, जी हां यहां पर न्यूमेरिकल मेथड है। और मैं वापस से सिविल में एक बार देख के आ जाऊं कि सिविल में जो मैंने सिविल में देखा कि क्या गलती से कॉम्प्लेक्स तो नहीं डल गया सर? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं, सिर्फ वेक्टर है, ऑर्डिनरी पार्शियल को अलग से रखा गया, प्रोबेबिलिटी को रखा गया और न्यूमेरिकल मेथड को रखा गया। तो सिलेबस आ चुका है, बाकी अपना टेक्निकल सब्जेक्ट जो है जाके फटाफट डाउनलोड कर लो, और वेबसाइट पता ही है गेट 2024 आईएससी, भागो और देखो जा करके कि क्या हो रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी प्यारे दोस्तों हमारे पास जबरदस्त तरीके का ऑफर भी आ गया है अनअकैडमी के साइट से। ये दिख रहा है, बैच स्टार्ट होने वाली है 11 अगस्त को, तो 12 अगस्त तक ऑफर है, ले लेना जाकर के 10% प्राइस ड्रॉप के साथ में फ्लैट 20% और एक्स्ट्रा मंथ भी। स्टार्ट बैच जो हो रही है 11 तारीख से हो रही है, देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा आइकॉनिक और प्लस में मैं आपको बता दूं कि आइकॉनिक में बेनिफिट्स बहुत सारे, लाइव वन वन मेंटरशिप हो गया, डाउट सॉल्विंग अप्रोच हो गई, बट याद रखिएगा कोई भी कोर्स लेंगे GA1111 ये कोड जरूर लगाइएगा। स्टार्ट हो रही है 11 अगस्त से क्लास दोस्तों, 11 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है, चाहे वो एक्सेलरेटर बैच हो या फिर मिशन बैच हो, मतलब गेट 2024 हमारे 25 के लिए, और अब तो 24 का सिलेबस भी आ गया, भागो। और मैं आपको बता दूं यहां पर मैं ओवर एक्साइटेड हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है, भावनाओं को केयर करते हुए आइकॉनिक वालों को बुक्स भी मिलती है, बट एक चीज बताऊं, स्कॉलरशिप 0% इंटरेस्ट के साथ EMI ऑप्शन है, अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल 85 को 5 बार डायल करिए और पूछिए कैसे ले पाएंगे लोन। तो यहां पर अटेंड आपको करना है स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं तो 13 अगस्त को 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होना है दोस्तों। अभी सबसे पहले क्या करोगे, सिलेबस डाउनलोड करो, टिक करो, चेक करो कि टेक्निकल में कुछ डिफरेंस तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।